पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल हो और हर समस्याओं का समाधान हो। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण को लेकर एक बड़े स्तर पर पूरे जनपद में महिलाओं को उनका अधिकार बताने के साथ साथ जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों के साथ DIG शलभ माथुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी महिला पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया कि आप शहर से लेकर गाँव तक सभी महिलाओं को जागरूक करिए और महिला हेल्पलाइन की जानकारी उनको दीजिए। यदि कोई भी समस्या हो तो महिलाएं उस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद ले सकती हैं। DIG शलभ माथुर का ये कहना है कि पूरे जनपद में बड़े स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण चलाया जा रहा है, जिसमें महिला अधिकारों की जानकारी देने के लिए सरकारी तंत्र जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद की सभी महिला पुलिस कर्मियों को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में DIG शलभ माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, SP सिटी अमित कुमार आनंद, SP ट्रैफिक अशोक कुमार, ASP अनिल यादव, CO सिविल लाइन इंदु सिद्धार्थ की मौजूदगी में सभी महिला पुलिस कर्मियों ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि शासन के आदेश पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकारी विभाग अपना भरपूर योगदान दे रहा है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। महिला पुलिस कर्मी ही महिलाओं को बेहतर तरीके से समझा सकती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर भी कर सकती हैं। परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को उसका फायदा पहुंचता है। इसीलिए महिलाएं जागरूक होंगी तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और महिलाओं को उनके अधिकार भी पता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, जनपद में ज्वाइन करने के उपरांत मैं कोशिश करता हूं कि अपने सभी लेडी पुलिस ऑफिसर्स से एक बार इंटरेक्ट कर सके, उन्हें ब्रीफ कर सके और कैसे उन्हें अच्छे कामों के लिए प्रेरित भी किया जा सके। ये मौका है जब मिशन शक्ति का तृतीय थर्ड फेज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने DGP मुख्यालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। जो विचार है, जो सोच है, वो ये है कि पुलिस जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि ना केवल हम अपराध को रोकें बल्कि प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का भाव जागृत करें कि महिलाएं अगर रात में भी निकल जाएं तो वो बिना डर के निकल सके, जाकर घूम कर अपने घर वापस आ सके, अकेले रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से वापस आ सके, शाम के मार्केट के समय में बिना किसी डर के ज्वेलरी पहनकर वो मार्केट में जा सके, स्कूल के बच्चियां अगर स्कूल जाते समय बिना माता पिता के और बिना किसी डर के वो स्कूल जा सके। इसके अतिरिक्त अगर व्यापारी अपना व्यापार करते हैं तो ये कुछ मानक है जो ये डिसाइड करता है कि समाज में या उस जिले में या उस सरकार के अंदर सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम। कार्यक्रम में पहुंचे DIG शलभ माथुर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में भी मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकार बताने के साथ सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी भी दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कोई समस्या हो तो आप इन नंबर्स से मदद ले सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में समीक्षा की गई है कि महिला पुलिसकर्मी किस स्तर पर काम कर रही हैं। इस दौरान कई महिला पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा भी की गई। ये मिशन शक्ति का जो फेज 3 चल रहा है उसके अंदर एक स्पेशल फोकस है कि जो महिला कांस्टेबल्स हैं हमारे,
उन महिला कॉन्स्टेबल्स को जो बीट के अंदर है, तो बीट के अंदर उनको भेजा जा रहा है लगातार उनसे, तो यहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया गया और काफ़ी अच्छे उनके फीडबैक आए हैं। बहुत मेहनत उनके द्वारा की जा रही है, पूरे जनपद मुरादाबाद की टीम के द्वारा उसका बहुत अच्छा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए गए, जैसा आपने देखा बीट बुक भी बनवाई जा रही है। क्या क्या उनको और चीज़ें करनी है, क्या हम लोग की तरफ से निर्देश है, किस हिसाब से जागरूक करना है, किस हिसाब से मीटिंग करनी है, ऑलरेडी बहुत उनके द्वारा मीटिंग की गई है, उसका भी फीडबैक लिया गया है और जो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ उनके अनुभव हैं वो शेयर किए गए और उस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। तो बड़े स्तर पर भी और कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है सर? जी, बड़े स्तर पर हम लोग नियमित रूप से चला ही रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। और बेसिकली आज का प्रोग्राम जो था वो जो महिला कॉन्स्टेबल्स को बीच में भेजना है, उनका फीडबैक, क्या उनको दिक्कत आ रही जैसा मैंने बताया, क्या उनको गाइडेंस देने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज देने हैं, किस बारे में उनको जाके जागरूक करना है, किस तरह की इंफॉर्मेशन करनी है उनको, अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है तो कैसे कर रही है, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, इस संबंध में आज यहाँ पुलिस लाइन मुरादाबाद में प्रोग्राम किया।